हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. आज हम लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख. यस, हम लोग अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे है और हम लोग का अभी जस्ट चेक इन हो गया है और सिक्योरिटी काउंटर भी हम लोग ने अभी जस्ट क्रॉस किया है. या तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का गेट नंबर 26 है और इट्स 3:15 और हम लोग का फ्लाइट है 4:00 का. इट टेक्स 2.5 आवर्स, तो 6:45 हम लोग पहुँचेंगे लेह एयरपोर्ट पर. अगर उजाला रहेगा तो सब कुछ दिखने मिलेगा. लेट्स सी, चलो. जस्ट केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट के अंदर लैंडिंग और वो सब शूट करना अलाउड नहीं है, तो हम लोग अभी बाहर आ गए और हम लोग का सब सामान लोड हो रहा है और अभी हम लोग गाड़ियों से हम लोग जाएंगे होटल. अभी यहाँ पे कुछ 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड या अभी तक थोड़ा ऐसा कुछ ऑक्सीजन जैसा फील नहीं हो रहा है, बट शाम तक हो जाएगा. जब बॉडी का लेवल, ऑक्सीजन लेवल जब नीचे नीचे आने लगता है, तब आपका सर वगैरह दुखना चालू हो जाता है. जस्ट रोमिंग अराउंड द सिटी, देख रहे हैं लोकली यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है. एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सिम कार्ड बिकॉज यहाँ पे मेरा वोडाफोन नहीं चल रहा है और बहुत सारे लोग उनका जियो वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा. तो आई गेस एयरटेल और BSNL चलता है, तो 10 दिनों के लिए मैं BSNL का कार्ड ढूंढ रहा हूँ. पूरा आधा घंटा चलने के बाद मुझे एक शॉप मिला जहाँ पे मुझे सिम कार्ड मिला. अभी वो 20 मिनट के बाद चालू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का वो कोऑर्डिनेशन एंड ऑल के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा. 400 रुपीज़ में कुछ मिलता है BSNL का. एयरटेल 4G चलता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ लेह सिटी में ही चलेगा वो और 30-40 किलोमीटर्स का रेंज में. लेकिन BSNL का हर जगह पे टावर है, तो हर जगह पे आपको नेटवर्क आ जाएगा. इंटरनेट का गारंटी नहीं है, लेकिन यस आपको कनेक्टिविटी तो रहेगा. अभी भी आप लेह आओ तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ पे आ रहे हो तो 1 या 2 दिन पूरा आपको यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा. और अगर समझ लो आपके जा रहे थे वहाँ पे, अगर आप दो तीन लीटर पानी पीते हो, तो यहाँ पे आके आपको कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन बहुत नेसेसरी है. वो नहीं होगा तो फिर बहुत पंगे हो जाएंगे आगे के ट्रिप में आपके. चलो अभी जाएंगे और लंच करेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को फिर थोड़ा मार्केट वगैरह घूम लेंगे. अपने इधर का जो ऑक्सीजन लेवल है और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो पानी पीते रहो और थोड़ा पहले दिन तो आराम करो. इसलिए आई एम गोना स्लीप नाउ फॉर सम टाइम एंड उठने के बाद मिलते हैं. चलो बहुत अच्छा नींद हुआ हम लोग का. It's 5 in the evening. अभी हम लोग थोड़ा सा नहा धो के कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर मार्केट में चले जाएंगे. चलो फ्रेश हो जाते हैं. चलो फ्रेश हो गए, अभी जाते हैं मार्केट और यहाँ का लोकल साइट सीइंग करते हैं. पहला दिन जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटी कम करो, ज़्यादा ट्रैवल मत करो. जितना हो सके स्लो स्टेप्स, आराम से, कुछ घाई नहीं है. अगर घाई करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा थकने हो जाएगा, तो अवॉइड डूइंग दैट. एंड या चलो अभी आहिस्ते आहिस्ते बिस्तारे और बेबी स्टेप्स लेके चलते हैं अपने मार्केट. पे हर 2 मिनट में एक बाइक का शॉप मिलेगा जहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हो. बाइक का नॉर्मली चार्जेस रहता है 1300 रुपया पर बाइक. या तो अभी हमारे होटल से कुछ 20 मिनट्स पे वो मार्केट है और हम लोग स्लोली स्लोली चलते चलते जा रहे हैं. रोड्स आर सो ब्यूटीफुल, वेदर भी इतना मस्त हुआ है और बीच बीच में जो
पहाड़ का व्यू आ रहा है, दैट्स रियली अमेजिंग। जस्ट एंटर्ड इनटू द मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे TBTM प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, और ऑब्वियसली आप यहाँ पे टूरिस्ट हो तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा रेट बताते हैं लोकल से, बट डू नॉट फॉरगेट टू बार्गेन। बहुत टाइम मार्केट घूमने के बाद हम लोग होटल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बाइक्स आने वाले हैं जो हम लोग कल से चलाने वाले फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज। या तो अभी 500cc बुलेट का राह देख रहे हैं हम लोग, जाके देखते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। मार्केट में आज हम लोग ने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, बिकॉज आज हम लोग सिर्फ सब जगह पर देख के आए, तो अगर जो भी चीज़ें जिन जिन को पसंद है तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल या परसों, हम लोग को 3-4 दिन मिलने वाला है ये मार्केट में आने के लिए, तो हम लोग वो टाइम पे आके हम लोग ने सिर्फ अभी रेट्स का हिसाब लगा लिया है, तो जिसको जो जो चाहिए वो हम लोग वैसे वो स्टोर में जाके ले लेंगे। अभी से लेके वो फिर अननेसेसरी कैरी करना पड़ेगा आगे के सारे दिन, इसलिए नहीं लिया। चलो अभी बुलेट के पास जाते हैं। तो हम लोग का बाइक फाइनली आ गया है, लेकिन यहाँ पर लाइट बहुत कम है। ये एक है, कुटले 2-3 और वो 4। अभी थोड़ा अंधेरा है तो दिखेगा नहीं, मैं सुबह दिखाता हूँ। बस सुबह तक रुकना है और फिर बाइक चलाएंगे 500cc क्लासिक। ओ फ्रीक, कांट वेट टू राइड इट सीरियसली। और या अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे जल्दी, बिकॉज हम लोग को सुबह 7:30 बजे उठना है। इट्स 11 in the night, तो जितना हो सके जल्दी हम लोग सोने का ट्राई करेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर पूरा दिन हम लोग को कल घूमना है। तो चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, हाँ, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे, दैट इज़ day number 2 फ्रॉम लेह। तब तक के लिए घूमते रहो, घुमाते रहो, एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइज़।